आज हम लोग बात करेंगे द फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग, यानी फाइन मना होता क्या है, अच्छा आर्ट ऑफ रीडिंग, यानी कि आर्ट मना होता है कला ऑफ रीडिंग, यानी पढ़ना, रीडिंग मना होता है पढ़ने की कला, यानी कि कैसी होनी चाहिए पढ़ने की कला, यानी पढ़ाई किस तरह से किया जाना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इनके जो लेखक हैं उनका नाम है लॉर्ड डेविड सेसिल। आज हम लोग जो है इस चीज़ पर ही डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लीजिए, ताकि जो है इस तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो सबसे पहले बात ये उठता है कि प्रश्न किस तरह का आ सकता है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन जो लोग खास करके इंग्लिश लिए हैं तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो इसमें जो है प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि क्रिटिकली एग्जामिन द फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग, यानी कि एक तरह से जो है क्रिटिकली एग्जामिन परीक्षण करना है आलोचनापूर्वक द फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग, यानी कि जो पढ़ने का जो कला है, यानी कि रीडिंग जो है ऑफ आर्ट, यानी रीडिंग ऑफ आर्ट या आर्ट ऑफ रीडिंग आप कहिए, द फाइन यानी कि किस तरह से जो है अच्छा हो, कैसे पढ़ा जाए, तो उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो ये इस तरह का ये क्वेश्चन है जैसा कि हमने बताया आपको। तो सबसे पहला है कि द फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग इज एन आर्टिकल, तो फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग जो है एक तरह का आर्टिकल है विच हैज़ बीन रिटन बाय लॉर्ड डेविड सेसिल, जो कि लॉर्ड डेविड सेसिल के द्वारा लिखा गया था, और ही वॉज द ग्रेट राइटर थिंकर्स क्रिटिक एंड स्कॉलर ड्यूरिंग मॉडर्न एज इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी कि अगर देखा जाए तो वे एक बड़े ही लेखक थे और विचारक थे और आलोचक थे, साथ ही साथ जो है एक विद्वान व्यक्ति भी थे ड्यूरिंग मॉडर्न एज, अगर आधुनिक युग के दौरान, इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी भाषा और साहित्य में। इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में द राइटर हैज़ एक्सप्लेन, यानी कि जो लेखक है उन्होंने जो है वर्णन किया है हिज ग्रेट थाट, अपने विचारों को विथ रिगार्ड टू फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग, यानी कि किसके सम्मान में, तो फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग यानी कि लिखने का जो, पढ़ने का जो आर्ट है, जो फाइन किस तरह से उसको ठीक तरीके से पढ़ा जाए कला को, पढ़ाई के द्वारा, तो उन चीज़ों को जो है उन्होंने एक्सप्रेस किया है, उन्होंने वर्णन किया है। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग विशेषतया जो है आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको हमने पहले बताया कि इम्पॉर्टेंट सबसे पहले क्या हो जाता है कि कोई भी पोइट या कोई भी ऑथर जो है उनका इंट्रोडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यदि आप कोई चीज़ का ख़ास करके जब एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है प्रश्न, तो वो चीज़ आपको लिखना बेहद ज़रूरी है। द ग्रेट राइटर लॉर्ड डेविड सेज दैट, यानी कि जो राइटर हैं उनका कहना है कि द कॉमन सेंस ऑफ अनकॉमन सेंसिबिलिटी, यानी कॉमन सेंस यानी व्यवहारिक ज्ञान जो होना चाहिए, अनकॉमन सेंसिबिलिटी अनकॉमन और व्यवहारिक सेंसिबिलिटी मतलब समझ, यानी या उसको आप कह सकते हैं संवेदना, आर नीडेड इन ऑर्डर टू अप्रिसिएट इन लिटरेरी वर्क, यानी कि अक्सर जो व्यवहारिक ज्ञान है, अगर हम कोई भी लिटरेरी कार्य कर रहे हैं तो अगर उस चीज़ को अगर हम डालते हैं तो उसकी बहुत ही ज़रूरत होती है, और वो चीज़ अगर आप डालिएगा तो लिटरेरी वर्क जो होता है, कोई भी साहित्यिक कार्य बेहतर हो जाता है। तो इट शुड बी दैट, यह होना भी चाहिए, ए राइटर शुड एक्सप्रेस हिज थॉट, एक राइटर को चाहिए कि वह एक्सप्रेस करे अपने विचारों को विथ फाइन आर्ट, एक अच्छे कला के द्वारा जड़िए। इट इज़ फैक्ट, यह बिल्कुल सही है, दैट फैथ हॉफ चैरिटी ह्यूमैनिटी पेशेंस मस्ट बी कीप एज द आइटम ऑफ रीडिंग अ लिटरेरी वर्क, यदि आप कोई लिटरेरी कार्य कर रहे हैं यानी कि साहित्यिक वर्क कर रहे हैं तो उसमें बहुत तरह का जो है समावेश करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो इनका भी कहना है कि ह्यूमैनिटी जो मानवता होनी चाहिए, पेशेंस धैर्य होनी चाहिए, मस्ट बी कीप रखा जाना चाहिए इसमें एज द आइटम, आइटम के रूप में ऑफ रीडिंग, जब आप रीडिंग करते हैं किसी चीज़ को, अ लिटरेरी वर्क, खास करके लिटरेरी वर्क में, अ मैन मस्ट कीप राइट नोशन, एक आदमी को हमेशा अपना सही मत या सही निर्णय जो कहिए आप उसमें रखना ज़रूरी है, टूवर्ड्स अ वर्क ऑफ आर्ट, यानी कि अगर आप कोई भी कला कर रहे हैं तो अपना हमेशा पेशेंस ह्यूमिलिटी उसके बाद सॉरी ह्यूमैनिटी उसके बाद जो है चैरिटी और अपना सही मत या सही विचार कह दीजिए उस कला की मतलब तड़प होना चाहिए या कला में वो चीज़ शामिल होनी चाहिए ताकि कला हमारा बेहतर हो, कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं।
एंड थॉट ऑफ द राइटर प्रेजेंट फ्रेशनेस एंड इंटेंसिटी टू हिम। ऐसा होना चाहिए अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो दूसरों को आकर्षित करे। कोई भी चीज़ ऐसा कला लिखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग अभी हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप अगर देखिएगा और हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर है कि देखिएगा ही। तो सिमिलरली इसी प्रकार यदि आप कला में कुछ लिखते हैं या कुछ अच्छा चीज़ डालते हैं तो लोगों लोग जब तक आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा तो वह फिर कला इम्पोर्टेंस नहीं हो सकता, मतलब महत्वपूर्ण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है आप उस चीज़ को, कोई भी चीज़ को लिखने या पढ़ने के दौरान उन चीज़ों को बहुत ही सावधानी पूर्वक या ढंग से पढ़ना ज़रूरी है ताकि वो चीज़ आपको समझ में आए और उसमें रुचि बढ़े आपका। डेविड सेसिल रियलाइज दैट सम क्रिटिक कंडेम द लिटरेरी, यानी कुछ ऐसे क्रिटिक हैं डेविड सेसिल के अनुसार जो उन्होंने एहसास किया है कि वह क्या करते हैं कि निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं द लिटरेरी यानी साहित्यिक चीज़ों को, विच आर नॉट एग्रीबल टू हिम, जो कि उससे वो सहमत नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रूल्स ऑफ डिजाइन कंपोजिशन एंड वोकेबलरी आर बेसिक रिक्वायरमेंट, ये सब जो है बहुत ही बेसिक आधारभूत रिक्वायरमेंट है, चीज़ें हैं। तो अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं, उसमें जो डिजाइन है वो चीज़ अगर आप डालते हैं, उसमें जो बनावट है, कंपोजिशन है, साथ ही साथ वोकेबलरी, ये सब बहुत ही कला के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। इन ऑर्डर टू इन्जॉय अ लिटरेरी वर्क, यानी एक अगर लिटरेरी कार्य को अगर आप इन्जॉय करते हैं तो ये चीज़ होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, यानी कि ये सब इसेंशियल है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जैसा कि तथ्य के रूप में, दीज आर सम राइटर्स हु आर डेफिनेटली ग्रेटर देन द अदर, यानी कि अगर हम उनकी नज़रों में देखें या एज ए मैटर ऑफ फैक्ट में तथ्य के रूप में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे राइटर होते हैं जो वास्तव में जो है बड़े होते हैं देन द अदर, अन्य की अपेक्षा, क्योंकि वे उन चीज़ों को डालते हैं और वो हम जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो समझ विकसित अपना करते हैं इसके माध्यम से। लॉर्ड डेविड सेसिल का कहना है कि जो क्रिटिक होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे क्रिटिक हैं जो अपनी कला से प्रेम कर मतलब प्यार करते हैं, और कुछ ऐसे क्रिटिक हैं जो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं लिटरेचर को इनटू कैटेगरीज, यानी बांट कर अलग अलग भाग में। दिज आर सम लिटरेरी वर्क, ये सब कुछ महत्वपूर्ण जो लिटरेरी बुक या वर्क कहिए, विच कैरी ग्रेट अपीलिंग एंड ग्रेट थॉट, जो अपने विचारों को अच्छे अच्छे बुकों में वे डालते हैं कैटेगराइज करके और वे रखते हैं। अप्रोच लिटरेरी अप्रिसिएशन, और उस अप्रोच ही पहुँच जो एक लिटरेरी अप्रिसिएशन है उसकी और पहुँच बनाते हैं। एंड फाइन अंडरस्टैंडिंग, और वे एक अच्छे मतलब जो है चीज़ों को उसमें डालते हैं, आर द बेसिक फैक्टर ऑफ लिटरेरी वर्क, जो कि एक मूलभूत तथ्य है खास करके लिटरेरी वर्क का। सो इस ऐसे में खास करके डेविड सेसिल ने यही इन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया है कि कला कैसी होनी चाहिए, पढ़ने क्या कला क्या होना चाहिए, कैसे कोई चीज़ को पढ़ा जाए। और इसके पहले हमने बनाया था मैथ्यू अर्नोल्ड का द स्टडी ऑफ पोएट्री, यानी कि कविता को कैसे पढ़ा जाए, और कोई चीज़ अगर लिटरेरी वर्क है उसको कैसे पढ़ें हम लोग, ये चीज़ थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अंत में जो है डेविड सेसिल कहते हैं कि डेविड सेसिल इज ऑफ ग्रेट व्यूज दैट फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग मस्ट कैरी क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग विथ पॉजिटिव अप्रोच, लिटरेचर मस्ट एक्ट एज वाइकल ऑफ आइडियाज। खास करके जो है डेविड सेसिल का कहना है कि अपनी व्यूज में फाइन ऑफ आर्ट रीडिंग जो एक क्रिस्टल क्लियर है, एक स्पष्ट हो जाता है कि अंडरस्टैंडिंग विथ पॉजिटिव अप्रोच, जो समझ होनी चाहिए वह एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ होना चाहिए खास करके लिटरेचर में, और ये बहुत ही नितांत आवश्यक है। एक्ट ऑफ वाइकल ऑफ आइडियाज, यानी कि आइडियाज एक तरह की वाइकल के रूप में होना चाहिए, यानी कि चलते रहे आइडियाज ताकि लोगों को उस चीज़ को समझने में कोई तरह का परेशानी नहीं हो। तो ये चीज़ था द फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग, जो कि लॉर्ड डेविड सेसिल द्वारा लिखा गया था। इन चीज़ों में इन्होंने क्या डिस्कस किया है, मैंने इस चीज़ों को आपको बताया।
तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।